इस वीडियो में मैं यकीन की बात बात साइंस तहकीक के मुताबिक है। मैं खुद एक साइंटिस्ट के तौर पे यूके में काम कर रही हूँ। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और जो फेसबुक के व्यूज हैं वो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर कासमी। डायबिटीज एक ऐसी सीरियस बीमारी है कि जिसकी वजह से हमारे खून में शुगर का लेवल काफी बढ़ जाता है। ग्लूकोज या शुगर हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करती है और फिर ग्लूकोज हमारे खून में शामिल हो जाता है। पैनक्रीज, जिसे उर्दू में लबलबा भी कहते हैं, ये एक हार्मोन बनाता है इंसुलिन। इस इंसुलिन की वजह से ये ग्लूकोज खून से निकाला जाता है और फिर इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। वो लोग जो डायबिटीज का शिकार होते हैं उनमें ये ग्लूकोज ठीक से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता और इसकी जो वजह होती है वो ये होती है कि जो उनका पैनक्रीज होता है वो या तो इनफ इंसुलिन नहीं बना रहा होता या वो जो इंसुलिन बना रहा होता है वो ठीक से काम नहीं कर रही होती। डायबिटीज की दो मेन इकसाम है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल काफ़ी हाई होता है क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में हमारी बॉडी इंसुलिन बिल्कुल भी बना नहीं पाती और जब हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं होता तो वो खून में से ग्लूकोज को नहीं निकाल पाती और ना ही उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाती है और इसके नतीजे में हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जबकि टाइप 1 डायबिटीज की सूरत में आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती तो इसके ट्रीटमेंट में आप इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं और इसके अलावा इंसुलिन की पंप्स होते हैं जो कि बॉडी को कॉन्स्टेंटली इंसुलिन मुहैया करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन लेना बहुत जरूरी होता है ताकि ग्लूकोज के लेवल्स को कंट्रोल किया जा सके। अगर हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल हर वक्त हाई रहेगा तो ये हमारे दिल को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, इससे हमारे पांव हमारे गुर्दे बहुत मुतासिर हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज होने की दो वजूहात हैं। एक वजह ये है कि हमारा जिस्म इंसुलिन तो बना रहा होता है लेकिन ये मकदार काफ़ी कम होती है और दूसरी वजह यह होती है कि जो इंसुलिन बन रही होती है वो इस काबिल नहीं होती कि वो अपना काम ठीक से कर पाए। डायबिटीज़ की जो कॉमन अलामत हैं उनमें एक तो ये है कि आपको प्यास बहुत लगती है, आपको बहुत टॉयलेट जाना पड़ता है, स्पेशली आप रात के टाइम बहुत ज़्यादा टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, आपका वजन तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है, बाज़ औक़ात आपकी नज़र धुंधला जाती है, अगर आपको कोई ज़ख्म हो जाता है तो वो ठीक होने में काफ़ी टाइम लगा देता है। अक्सर लोगों में डायबिटीज़ होने से पहले उनका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो नॉर्मल रेंज से हाई होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को प्री डायबिटीज कहते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज से हाई होना शुरू हो जाए तो आप में बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि आपको फ्यूचर में डायबिटीज हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि डायबिटीज का जितना जल्दी हो सके पता चल जाए ताकि आप राइट ट्रीटमेंट सही वक्त पर शुरू कर सकें। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल ज्यादा अरसे के लिए काफी हाई रहने लगे तो इससे हमारे दिल, गुर्दे और आंखों को सीरियस नुकसान पहुंच सकता है जिसको डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस कहा जाता है। इसलिए अगर डायबिटीज की बरवक्त तशखीस हो जाए और इसका इलाज भी टाइम पर स्टार्ट कर लिया जाए तो ये डायबिटीज के पेशेंट्स एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं और इनमें ये डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। अभी तक कोई भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके टाइप 1 डायबिटीज होने का रिस्क कम कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हैं वो अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाके अपनी टाइप 2 डायबिटीज को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और मेडिसिन के बगैर ही इसको रोक सकते हैं। इसको टाइप 2 डायबिटीज रिमिशन कहा जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं टाइप 2 डायबिटीज पे थोड़ा ज्यादा बात करूंगी और ये चीजें भी डिस्कस करूंगी कि ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनको अपना के हम टाइप 2 डायबिटीज को रोक सकते हैं। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।